एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित एंजवाड़ा डेंगर गांव पड़ा। लगभग 1830 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 34 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव की प्रधान होशियारी है। लगभग 1150 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 110 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 40 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 175 विद्युत पोल, 11 विद्युत ट्रांसफार्मर व 17 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में खडंजे, सीसीटाइज रोड, स्कूल में मरम्मत कार्य व सौंदर्यकरण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 225 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसीटाइज रोड, शमशान घाट, पानी निकासी के लिए नाला, जूनियर हाई स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 15 शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं कपिल कुमार, ग्राम प्रधान पुत्र, ग्राम पंचायत का नाम एचवाडिंगर। हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से धनराशि आई है उसका हमने गांव में सीसी टाइल्स बिछवाई हैं और नल रिबोर कराए हैं और जो है हमारे गांव में शौचालय भी 150 करीब बन चुके हैं और बन रहे हैं और हमने 16 लाइट भी लगवा दी हैं। और क्या नाम है, हमारे गांव में जो है, तालाब बारिश से भर जाता है और हमें छोटा तालाब है, मतलब बड़े तालाब की ज़रूरत है। मतलब पानी निकास, गाँव में पानी के लिए निकास नहीं है। हाँ, पानी के लिए कुछ सोखता उखता खुदवाने की ज़रूरत है। हमारी राज्य सरकार से मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजें जिससे कि हम अच्छा काम करा सकें और हमारे गांव में आवास नहीं मिले अभी तक। अभी तक कोई भी हमारी प्रधानी में आवास नहीं मिला है जिससे कि हमें आवासों की ज़रूरत है। आवास हमें मिलने चाहिए।